तो भाई साहब, अगर आप लोग इसके पिछला वीडियो देखे हो तो आप लोग हमारी चड्डी फटती देखे होंगे, ठीक है। क्योंकि जो ब्रॉक लेसनर है, पकड़ के कुछ दिया था अंडरटेकर को, तो अब हम लोग बंटू को ले रहे हैं, ठीक है। कोई अगर रे मिस्टीरियो से प्रेम करता हो बहुत ही ज़्यादा, तो ऑफेंड मत होना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अब एंट्री देखेंगे। देखना ये वाले एरिना में काफ़ी रियलिस्टिक दिखते हैं इन लोग, देखना, सच बोल रहा हूँ। देखना थोड़ा, मतलब ये वाले एरिना में ना थोड़ा सा इफेक्ट ऐसा रहता है कि इन लोग थोड़े रियल दिखेंगे। हाँ ये देख, मतलब पता नहीं क्यों शैडो कुछ अच्छा पड़ता है नहीं। अरे सबको जाके उंगली कर रहा है, तभी तो बाद में लपेटे में आता है ये, है ये दे, उंगली नहीं कहता। सबको उंगली मारेगा। चलो इसकी एंट्री स्किप करते हैं, कोई मज़ेदार एंट्री नहीं है इसकी। अबे तू बैठ ही जाएगा अभी। चलो ब्रॉक आ रहा है, तो ब्रॉक का अपन थोड़ा सा सीन देख लेते हैं, आगे आगे का थोड़ा सिनेमेटिक टाइप का, उसके बाद हम लोग करेंगे स्किप। तो ब्रॉक आ गया है, चाचा जान को इतना दिखाना काफ़ी है, ठीक है। तो मैच स्टार्ट करते हैं। अब ये तो वैसे ही हार्ड पे सेट है, अब पता नहीं, एक तो ये ब्रॉक को उठा नहीं पाएगा। अरे भाई साहब। हाँ छोटू छोटू बना देगा। अब बेटा ये पेलेगा, अब ये पेलेगा पकड़ के। ओहो हो हो हो, अबे तेरे क्या लगता है, जीत जाऊंगा मैं? ये क्या है, ब्रॉक क्या है बेसिकली ना, बहुत ज्यादा रिवर्सल मार रहा है और मैं फ्री फंड में गिर रहा हूँ। मतलब जहाँ पे मेरी कुंडली में योग होगा ना जीतने का, वहाँ पे मैं खुद को चोट पहुँचा दूंगा ऐसे। तो मतलब मैं खुद का भी दुश्मन हूँ। अरे भाई क्या गंदा फेंका ना एकदम। ये पेलेगा भाई पकड़ के, मैं तो और ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा लग रहा है इसमें। ये दे 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 दे, ये पता है ये अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ा, ये मतलब रेमी स्टूडियो को भी पकड़ के पेल दे रहा है ये ब्रॉक लेसनर, इसका बच्चा को। रेमी स्टूडियो का बच्चा बड़ा हो गया, हमारे इतना बड़ा नहीं रहा वो, मतलब हमारे ही इतना बड़ा है वो। WWE में आने लायक इतना बड़ा हो गया वो। अरे वाह ये करता बाजी। अब जो मैं खेलूँगा ना, अब मेरा रूप आया निखर के, ये गजाक। अब मेरे को टेक्निक मालूम चला। अबे अरे भाई थोड़ा तो रहम कर ले, रिवर्सल का एकदम पूछता ही नहीं है मेरे से। ये दे, अबे ओह, ये तो और मर गिल ले। अरे आई दबाइए, हां हां हो जाएगा, हम किल ले 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 ज्यादा ले ले मत बोल, ऑडियंस गलत समझ लेगी। ओ अरे साला क्या शॉट दिया, अभी डॉच कर लिया वो। ओहो देखो उसका सिग्नेचर आ गया, वो सुप्लेक्स दे देगा मेरे को। ये सिग्नेचर दे रहा हूँ मैं। आ गजब गजब। अब भाई ये बस आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। अबे पिन करना, फिनिशर चिपका चुका हूँ मैं उसको एक, ऑब्वियसली बात है। पर अभी देख सोचने वाली बात यह है, उसके पास सिग्नेचर है और अपन है ठल्ले।
अपन ठल लें। अभी हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ तू इधर ईद अब ये पेलेगा बेटा वो दे सुप्लेक्स अब मैं मर जाऊंगा। ओ बच गया 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 खजाक। यहां से फिनिशर आएगा क्या इसका? परफेक्ट फिनिशर आ गया। पिन कर ले फिर बच गया भाई फिर बच गया। फिनिशर दूसरी बार दिया हूं मैं इसको फिर बच गया। फ्रस्ट्रेट हो गया ये भी। अब क्या किया जाए? फिर से एक बार कूद जाता हूँ इसके ऊपर से। कूदने पे टैक्स थोड़ी लगता है। बार बार कूद जाते हैं। एक और बार कूद जाता हूँ इसके ऊपर। जो टूटने वाले शॉट होते हैं ना वो भी नहीं टूट रहे मेरे से। अभी फिनिशर है उसके पास। ओहो फिनिशर दे दिया भाई। ओ बच गया मैं बच गया मैं बच गया फिनिशर से। अबे उसका नाजुक सा हाथ। ये पता नहीं मैं कैसे रिवर्स किया बस कर लिया। ये सही शॉट था। अभी इसको खड़े करता हूँ सिग्नेचर देता हूँ तुरंत बिना विलंब किए। ए ए ए ए सिग्नेचर। अब तेरे को क्या लगता है फिनिशर पकड़ा पाऊंगा? ये फिनिशर। पिन कर अब हो जाना चाहिए भाई। 1 2 3 फाइनली जीत गए अपन। अरे भाई साहब ब्रॉक को अपन हरा दिए लेजेंड में। तो बार बार पलट के देख रहा है सच में हारा है कि नहीं। कैसा? अभी मैं ब्रेकआउट कर सकता हूँ। अभी मैं उसको भी पकड़ के और मार सकता हूँ। मारू क्या थोड़ा सा? नहीं ज़्यादा उंगली नहीं करना चाहिए। अपन एक आध रिप्ले उप्ले है तो देख लेते हैं। रिप्ले ऐसा हाईलाइट देख लेते हैं कि अपनी जीत का कुछ जशन है। नहीं ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है तो ये थोड़ी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दो।